गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी, इसमें कुछ आईएमडी है ये आपको करना जरूरी है। देखो, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है और व्यायाम ही शरीर को मजबूत और सुडौल बनाता है। व्यायाम से क्या होता है, भोजन का पाचन भी होता है और शरीर कैसा रहता है, सुस्ती और फुर्ती व्यायाम से आती है। इस पाठ में व्यायाम के कुछ आपको सरल तरीके बताए गए और ये बताए गए तरीके आपको हर दिन अपने घर में करना है। 15-10 मिनट में हो जाता है, ज़्यादातर टाइम नहीं लगता, इसीलिए जीवन में स्वस्थ की सबसे अधिक महत्व है। अंत में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। वास्तव में स्वस्थ है देह की ईश्वरीय देन है। व्यायाम द्वारा मन की कुश्ती भावनाएं दूर हो जाती है और इंद्रिय में संयम आ जाता है। व्यायाम के लिए स्थान स्वच्छ, खुला और हवादार होना चाहिए। व्यायाम से करने से शरीर सुस्ती और फुर्तीला होता है, आलस्य दूर हो जाता है और ऊर्जा बना रहती है। उम्र के तीसरे पड़ाव तक व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। अंत में मनुष्य को नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से शरीर के अकड़न, दर्द और बीमारियां दूर हो जाती है, इसलिए आपको कुछ तरीके बताया गया है। जैसा इसमें दिए है, पहली मुद्रा आपको कैसे विश्राम में रहना है, क्या करना है, विश्राम में रहना है। बाद में सावधान रहना है, बाद में एक पैर में खड़ा रहना है, बाद में दोनों हाथ पीछे करके पीठ के पीछे करना और सामने झुकना है। उसके बाद दोनों हाथ फैल कर ऐसा पीछे झुकना जरूरी है। इससे अपने को क्या करता है, अपने शरीर जो है अच्छा बन जाता है। उस प्रकार झुक कर आपको क्या करना है, दाएं हाथ है जो है बाएं पैर को लगाना है और बाएं हाथ दाएं को लगाना है। इस प्रकार ये भी एक प्रक्रिया का जरूरी है। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करना है और नीचे भी झुकना है। इस प्रकार और दोनों हाथ ऐसा ऊपर करना है और पंजे के ऊपर खड़ा होकर पूरा टाइट रहना है। इस प्रकार आपको बाएं हाथ सामने रखकर धीरे धीरे बाएं ओर से लाते अंगूठे को नाखून देखना है। इस प्रकार ये कृति करना जरूरी है। बाद में बाएं दाएं करके ऐसा आपको हर दिन करना है। उसके बाद घुटनों को बैठकर आपको ऐसे दोनों हाथ क्या करना है, अपने पैर को लगाना है, दोनों उंगलियां ऐसे टाइट लगाना है। उसके बाद सीधा बैठकर आपको दोनों हाथ की जो पैर है उसको अपनी उंगली लगाना है। इस प्रकार ये प्रक्रिया हर दिन आपको करना है। इससे अपना क्या हो जाएगा, अपना स्वास्थ्य अतिशय और मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार आपको हर दिन इस पाठ में बताया गया है।